भाई एक सब्सक्राइबर जो है मेरा वो कमेंट करता है और बोलता है कि भाई आपको इनको जो है कैद करके नहीं रखना चाहिए और आपको जो है इनको हवा में रिलीज कर देना चाहिए या इनको जो है यहाँ से रिलीज करके बाहर छोड़ देना चाहिए। तो भाई हम आपको बता दें कि ये जो बजी जो बर्ड्स है वो यहाँ के नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया के बर्ड्स है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हम इनको जो है बाहर रिलीज नहीं कर सकते हैं, वरना क्या होता है कि जो बड़े बड़े पक्षी होते हैं जो बाहर यहाँ पे रहते हैं वो उनको क्या है मार देते हैं या मार के खा जाते हैं। तो और भी रीज़न होते हैं, आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पता चलेगा कि हम क्यों इनको जो है बाहर की और रिलीज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जो है सबसे बड़ा कारण जो है वो मैं यहाँ पे फोटो डाल के आपको बता रहा हूँ। ये फोटो आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने इन जो बर्ड्स को जो है यहाँ से बाहर छोड़ दिया तो इनके साथ क्या हो सकता है। तो ऐसी स्थिति इनके साथ नहीं हो, इसीलिए हम इनको पाल के रखते हैं। मेनली रीज़न ये है कि हम भारत के अंदर यहाँ पे जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े जो पक्षी भी रहते हैं और ये जो पैरट्स जो हैं वो यहाँ के इंडिया के नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। जैसे ही ये हम इनको यहाँ से बाहर रिलीज करेंगे तो कोई ना कोई बड़ा जो पक्षी जो होता है वो इनको मार देगा या इनको जो है मार के खा जाएगा। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये बजीज बर्ड जो यहाँ पे रहते हैं बिल्कुल भी किसी भी मुसीबत में नहीं रहते हैं, आराम से यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आराम से अच्छे से रहते हैं। इनको यहाँ पे कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो फिर इनको यहाँ पे देखो इतना बड़ा जो है रूम बना हुआ है, तो इतने बड़े रूम के अंदर ये रहते हैं, आराम से खाते पीते हैं, तो फिर इनको किसी बात की तकलीफ नहीं है। तो हम इनको बाहर क्यों छोड़ें, हम इनको आराम से इनको पाल के रखते हैं ताकि जो है ये यहाँ पे रहे आराम से। और दोस्तों ये जो है यहाँ पे रहते हैं आराम से, खाते पीते ब्रीडिंग करते हैं और इन मटकियों के अंदर जो है वो अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद में जो छोटे छोटे बच्चे इनके जो हैं वो बाहर आते हैं। जब ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ से बाहर आते हैं फिर वो इनके साथ रहते हैं और इन्हीं के साथ रह के वो बड़े होते हैं। यहाँ पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर इनको बाहर क्यों छोड़े। दोस्तों जो भी मेरे इस बात से सहमत है वो मुझे कमेंट करके बताए कि क्या हम इनको अंदर रखना चाहिए या इनको जो है बाहर छोड़ देना चाहिए। अगर हम इनको बाहर छोड़ देंगे तो इनका निश्चित ही कोई न कोई जो पक्षी है वो इनको मार देगा। तो इससे अच्छा यह है कि यहाँ पे रहे, खाने पीने की व्यवस्था है, हर एक प्रकार की इनको व्यवस्था है, पानी पीने के लिए व्यवस्था है, सुबह शाम दो टाइम दाना देते हैं, आराम से खाते पीते रहते हैं, तो फिर इनको कोई तकलीफ नहीं है। तो जो है हम इनको यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये है दोस्तों इनके खाने के लिए जो है दाना हमने रखा हुआ है जो कि शाम और सुबह दोनों टाइम इनको अच्छे से मिल जाता है। और बाकी देखो सारे बजीज बर्ड जो हैं कितने खुश है, हम इनको बाहर नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि बाहर जो है बड़े बड़े पक्षी जो है इनको मार देते हैं और फिर इनको खा जाते हैं। ये देखो यहाँ पे आराम से रहते हैं, इन मटकियों के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये जो है पानी पीते हैं, आराम से रहते हैं। इस मटकी के अंदर देखो उनके छोटे छोटे बच्चे भी है, ये देखो, और सभी मटकियों के अंदर लगभग मेरे जो हैं अभी छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे है। तो आप चीज़ बताओ दोस्तों, इनको यहाँ पे ना खाने की कमी है, ना पानी पीने की कमी है, किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। इनको गर्मी लगती है तो गर्मियों के लिए हमने इनको जो है यहाँ पे कूलर प्रोवाइड कर रखा है जो कि इनको एकदम ठंडा मौसम जो है प्रोवाइड करता है। और गर्मियों के अंदर आप बताओ कि ये जो है बाहर कहाँ उड़ेंगे, यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी रहती है राजस्थान के अंदर, हमारे देश के अंदर गर्मी के अंदर ये बिल्कुल भी बाहर नहीं रह पाते हैं, इनको सहन नहीं होती है, इसीलिए हम इनको यहाँ पे पाल के रखते हैं आराम से। तो ये यहाँ पे एकदम अच्छे से रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं और अपना पूरा जीवन यापन यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों जो मेरी बात से सहमत है वो अपने कमेंट अपने इस वीडियो के नीचे करके मुझे बताए कि क्या इनको अंदर रखा जा रहा है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताएं। बाकी तो इन बजीज बर्ड के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें ताकि जो है मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए बाय।